डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज नासिर कलीम एंड आई एम योर मैथ टीचर। और आज हमने क्या करना है, रिव्यू एक्सरसाइज को देखना है। जो चैप्टर नंबर 2 है हमारे पास, उसकी रिव्यू एक्सरसाइज के चंद एक क्वेश्चन देखते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज 161604 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास एक फील्ड है जिसका एरिया हमें गिवन, यहां तक हमने देखा। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, फाइंड लेंथ ऑफ वन साइड। ठीक है, अब एक लेंथ की हमने साइड फाइंड करवानी है। फॉर एग्जांपल, अब मैं कहता हूं कि स्क्वायर फील्ड उसने बोला है, तो यहां पर मैंने एक स्क्वायर बना लिया और इसको फर्ज कर लेते हैं कि हमारे पास स्क्वायर फील्ड है जिसका एरिया हमारे पास क्या है, 161604 मीटर स्क्वायर। अब हमें पता है कि अगर हमें इसकी एक साइड चाहिए हो तो हम क्या करवाते हैं, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करवाएंगे। तो जस्ट हमने यहां पर क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट ही फाइंड करवा देना है। देखते हैं, हम इसे सॉल्व करते हैं। द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड क्या है हमारे पास, 161604 मीटर स्क्वायर। फाइंड लेंथ ऑफ वन साइड, ठीक है, तो हमने फाइंड क्या करवाना है, लेंथ ऑफ 1 साइड, ये चीज हमने फाइंड करवानी है। तो हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करवाते हैं। स्क्वायर रूट हमें पता है बाय डिवीजन मेथड, इसको कर लेते हैं। ये देखिए, ये आ गया 161604। तो बाय डिवीजन मेथड में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम पेयर बनाते हैं फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ये इसके पेयर कंप्लीट हो गए। देखते हैं हम इसे जरा, देखिए ये 16 है, बिल्कुल ही परफेक्ट स्क्वायर है, 4 4s are 16। यहां से रिमाइंडर हमारे पास 0 आएगा, तो नेक्स्ट पेयर को मैं नीचे ले आऊंगा जो कि 16 है नेक्स्ट। अब 4 का डबल कितनी हो जाएगा, 4 2s are 8। अब ये देखें, ये 16 है और ये 8 है, और मैंने यहां पर कोई नंबर लिखना है। जैसे ही मैं यहां पर कोई नंबर लिखता हूं, फॉर एग्जांपल मैं अगर 1 भी लिखता हूं तो 81 है, 81 को 1 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा जो कि 16 से बढ़ जाएगा। तो इट मीन ये कम है, तो साथ वाला जो पेयर है नीचे उतारेंगे। तो ये रूल है, जब दो पेयर हम इकट्ठे उतारे 16 तो हमने उतार लिया है। अब नेक्स्ट पेयर अगर हम नीचे उतारते हैं तो यहां पर हमें 0 देना चाहिए, तो यहां पर 0 आएगा और इधर भी हमारे पास 0 ही आएगा। अब ये बना, अब हम नेक्स्ट पेयर को नीचे लेके आ सकते हैं, तो ये बन जाएगा 1604। ठीक हो गया। अब ये देखें कि 0 0 और लास्ट में हमारे पास क्या है, 4 है, तो या तो 2 2s are 4 होता है या फिर 8 8s are 64 होता है। या हम 2 को सिलेक्ट करवाएंगे या फिर 8 को सिलेक्ट करवाएंगे। अगर मैं 2 सिलेक्ट करता हूं तो ये तकरीबन 1600 बनेगा। सॉरी, हाँ ये देखें, अगर मैं यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करवा देता हूं, ये देखें, और इधर भी मुझे 2 ही लिखना पड़ेगा, 2 2s are 4, 2 0 0, 2 8s are 16। तो ये देखें, इसके ऊपर कंप्लीट गया है और जो हमारे पास रिमाइंडर है वो 0 है। और अगर यहां पर मैं 8 से हल करता, 8 8s are 64 होता जो कैसे बढ़ जाता। तो देखें, अब हमारे पास जो आंसर आया वो आया 402। तो इट्स मीन जो लेंथ ऑफ वन साइड आएगी वो कितनी आएगी, 402 मीटर। तो हम यहां पर लिख देंगे जस्ट लेंथ ऑफ वन साइड, ठीक हो गया। जस्ट हमें एक स्क्वायर फील्ड का एरिया गिवन था, क्वेश्चन में हमें ये कहा गया है कि आप इसकी लेंथ फाइंड करवाएं। तो लेंथ आपने कैसे फाइंड की, जस्ट उसका स्क्वायर रूट फाइंड करवाया। स्क्वायर रूट फाइंड करवाने से हमारे पास क्या आ गया, 402 मीटर। अभी हमारे पास एक साइड की लेंथ आ गई। अब अगर 402 मीटर को मैं फिर से 402 मीटर से मल्टीप्लाई कराऊं तो मेरे पास ये वाली चीज आ जाएगी। तो इट्स मीन के जो लेंथ ऑफ वन साइड है वो हमारे पास क्या आई है, 402 मीटर। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, 3375। इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने क्यूब रूट फाइंड करवाना है। तो क्यूब रूट फाइंड करवाने के लिए हम विद हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करेंगे। तो देखें जरा इसे,
लास्ट में देखेंगे, लास्ट में डिजिट चेक किया करें जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी हो कि हम किसकी डिविजिबिलिटी इसके अप्लाई करवाएंगे। लास्ट में हमारे पास क्या है, 5 है, तो इट्स मीन की डिविजिबिलिटी ऑफ 5। लास्ट में अगर हमारे पास होता कोई भी इवन नंबर तो हम उसमें डिविजिबिलिटी ऑफ 2 अप्लाई करते हैं। और डिविजिबिलिटी ऑफ 5 कब अप्लाई होती है, जब लास्ट में 0 हो या 5 हो तो हम डिविजिबिलिटी ऑफ 5 अप्लाई करते हैं। तो यहां पे 5 में 5 6 30, यहां से 3 कैरी 37 हुआ, 5 7 35, 2 कैरी 25 हो गया, 5 5 25, फिर 5 को दे। अब देखें हम क्यूब रूट फाइंड करवाना चाह रहे हैं, अब एक बार 5 का टेबल गया है तो अगली दो बार भी लाजमी ही जाएगा। 5 1 5 5 3 15, यहां से 2 बचा 25 हुआ, 5 5 25, फिर 5 का टेबल। अब ये देखिए 5 2 10 आ गया, 3 यहां से कैरी 35 और 5 7 35 27 आया, ये 3 का जाएगा 9 बन जाएगा, और फिर 3 और ये 3 और 3 1 3। तो इससे हमने ये देखा कि जो हमारे पास 3375 है विद हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन ये आ रहा है 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब यहां पर अगर मैं बोथ साइड पे क्यूब रूट अप्लाई करवाऊं तो यहां पर भी मुझे नेक्स्ट लिखना पड़ेगा इसका क्यूब रूट। अब ये देखें एक ये बन रहा है पेयर, एक ये बन रहा है। तो जब मैंने क्यूब रूट अप्लाई किया तो यहां से ये 5 आ गया और यहां से 3 आ गया, जो कि इसका आंसर आया 15। तो 3375 का जो क्यूब रूट है हमारे पास वो क्या आया है, 15। इट्स मीन कि हमने क्या किया, इस पे प्राइम फैक्टराइजेशन अप्लाई की, और ये देखें एक बार 5 का गया था तो 3 बार, एक बार 3 का गया है तो ये भी 3 बार, ठीक हो गया। सबसे पहले हमने ये देखा, इस क्वेश्चन में हमने ये किया था कि हमें स्क्वायर चाहिए था और इसमें हमने क्या किया, स्क्वायर रूट फाइंड करवाया। तो आई होप कि आज के लेक्चर स्टूडेंट्स आपको क्लियर होगा, कहीं पर भी प्रॉब्लम है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास मौजूद है, आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।